अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये है ब्यूटी वॉलेट का ब्राइडल गोल्ड फेशियल, जिसकी डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, इसके अंदर 9 प्रोडक्ट्स आते हैं टोटली, जिसके अंदर स्किन पॉलिशिंग है, क्लिनजिंग है, स्क्रब है, सब प्रोडक्ट इसके अंदर अवेलेबल हैं। इस फेशियल के अंदर हमें सबसे पहले जो है वो न्यूट्रल क्लिनजर यूज़ करना है, जो आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज करेगा और उसके अलावा बहुत ही जेंटली सारी इंप्योरिटीज रिमूव करेगा और तो और जितनी भी आपकी स्किन पे डलनेस है, रफनेस है, सब कुछ दूर करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा है न्यूट्रल क्लिनजर। इसके बाद जो है आपने स्किन पॉलिश अप्लाई करनी है। स्किन पॉलिश लगाने से पहले आप हमारी इंप्योरिटीज़ रिमूविंग जेल भी यूज़ कर सकते हैं, पतली सी लेयर उसकी स्किन पे अप्लाई कर ले, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और उसके अलावा इंप्योरिटीज़ जेल का जो मेन पर्पज़ है, अक्सर लोग हाइड्राफेशियल करते हैं तो उससे पहले आप लगा के हाइड्राफेशियल में जो कप्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इंप्योरिटीज़ जेल के बाद ही। आपके सामने इसका टेक्सचर है। इसके बाद आपने स्किन पॉलिश बनानी है हमारे गोल्ड ब्राइडल सीरीज़ की। ठीक है, 2 स्पून जितना आपने गोल्ड इमल्शन ले लेना है, 20 वॉल्यूम, सिर्फ 2 स्पून जितना। ठीक है, अगर आपका वॉल्यूम है तो आपने 1/2 स्पून जितना इसका गोल्ड एक्टिवेटर पाउडर, इस क्वांटिटी में आपने स्किन पॉलिश अप्लाई करनी है 15 मिनट्स के लिए। स्किन पॉलिश करने के बाद आपने इसका हाइड्रोक्सी एक्सफोलिएटर करना है 5 to 7 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये स्क्रब है, 5 to 7 मिनट्स आपने इससे स्क्रबिंग करनी है। कुछ इस तरह का टेक्सचर है अंदर से हाइड्रोक्सी एक्सफोलिएटर का आपके सामने है। ये आपकी स्किन से ब्लैक हेड, वाइट हेड्स रिमूव करता है। उसके अलावा इसका काम एक्सफोलिएशन होता है। ठीक है, जितनी भी इंप्योरिटीज़ होती हैं, जितने भी आपको ओपन पोर्स इशू है, ये सब इससे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपने थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो जेंटल पफिंग क्रीम की लगानी है। इससे आपने स्किन को सिंपली सूट कर लेना है, मसाज कर लेना है। ठीक है, आफ्टर जेंटल पफिंग क्रीम हम लोग यूज़ करेंगे डेड स्किन रिमूवर। इसका मेन जो वर्क है, आपके अगर फ्रेकल्स हैं तो उसको रिमूव करेगा, डेड स्किन आपकी सारी की सारी रिमूव होगी इस डेड स्किन रिमूवर से। आपने 5 to 7 मिनट्स इसकी भी स्क्रबिंग करनी है। कुछ इस तरह का है अंदर से डेड स्किन रिमूवर, इसको आपने 5 to 7 मिनट्स इसके साथ आपने स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप आता है एंजाइमेटिक पाउडर मास्क। इसका जो मेन पर्पज़ है वो आपकी स्किन को लिफ्ट करना है, आपकी स्किन को टाइटन अप करना है, ओपन पोर्स क्लोज करना है। एक्सफोलिएशन के बाद ओपन पोर्स का इशू होता है। ठीक है, स्क्रबिंग क्योंकि आपकी स्किन से इंप्योरिटीज़ रिमूव करा होता है, ब्लैक हेड, वाइट हेड रिमूव करा होता है, तो उसके बाद आपको ओपन पोर्स होते हैं। उसके बाद आपने ये पाउडर मास्क लाजमी यूज़ करनी है, आपकी स्किन को लिफ्ट करेगा, आपकी स्किन टाइटन अप करेगा और जितनी भी आपकी स्किन सूद जितनी भी होती है सारी सूद हो जाती है। इस तरह का है ये अंदर से एंजाइमेटिक पाउडर मास्क, इसको आपने रोज़ वाटर के साथ बनाना है। इसके बाद हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में हमने करना है यूज़ गोल्ड हाइड्रा सीरम। इसके रिजल्ट्स इतने ऑसम है, जितनी भी आपकी स्किन के ओपन पोर्स होंगे, जितनी भी आपकी स्किन मतलब गोल्ड सीरम के चंक्स आपके सामने है कि ये ओरिजिनल चंक्स से बना हुआ है, इसके अंदर गोल्ड के ओरिजिनल चंक्स हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत ऑसम है। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा फेशियल ब्राइडल गोल्ड सीरीज़ का।